नड्डा जी को तो मैं खुला चुनौती देता हूँ। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने शर्म हया नैतिकता सबको त्याग दी। अब झारखंड में भ्रष्टाचार नहीं है, कादो नहीं है, यहाँ भाईचारा का फूल खिलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गिरिडीह दौरे को लेकर हमला बोला और कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार नहीं है कि कमल खिलेगा, अब ये जमीन साफ हो चुकी है, यहाँ भाईचारे का फूल खिलेगा। वहीं मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, एक ओर मणिपुर बर्बाद हो रहा है और दूसरी ओर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड आए हुए हैं, अगली बार भी बिहार नहीं जाएं बल्कि नॉर्थ ईस्ट जाएं और वहां का हाल देखें। उस पर नड्डा जी ने कुछ बात नहीं, क्योंकि बात करने आता नहीं है उनको, केवल धर्म और जाति की राजनीति। आज तो मैं सुन के दंग रह गया कि रांची में जिसका बचपन बीता हो वो इतना बड़ा झूठा कैसे हो सकता है। मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? नड्डा जी को तो मैं खुला चुनौती देता हूं कि आप मणिपुर जाइए। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने शर्म हया नैतिकता सबको त्याग दिया। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके मणिपुर के 17 विधायक ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा कि मणिपुर बर्बाद हो गया, सरकार को बर्खास्त कीजिए, आज से लगभग 25 दिन पूर्व भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ने चिट्ठी लिखकर कहा मणिपुर टूट गया है, सरकार को बर्खास्त कीजिए, उनका घर जला दिया गया। उस पर नड्डा जी ने कुछ बात नहीं, क्योंकि बात करने आता नहीं है उनको, केवल धर्म और जाति की राजनीति। आज तो मैं सुन के दंग रह गया कि रांची में जिसका बचपन बीता हो वो इतना बड़ा झूठा कैसे हो सकता है। बता दें कि गिरिडीह के झंडा मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, तो वहीं झारखंड सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि झामुमो और कांग्रेस की सरकार ने झारखंड को पीछे धकेलने का काम किया है, ये तुष्टिकरण की सरकार है। पंजाब के सीटीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।